आज हम भारत के 30 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों के भविष्य का विश्लेषण करेंगे। अगर आपके परिवार में भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो आपको आज का ये डीएनए जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये विश्लेषण आपके बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्कूल बैग का वजन, स्कूल की टाइमिंग, स्कूल से मिलने वाला होमवर्क, ट्यूशन और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बोझ आपके बच्चे को वक्त से पहले बीमार, कमजोर और चिड़चिड़ा बना रहा है। और जिस देश के बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर पर बचपन से ही बीमार हो जाते हैं, वो देश दुनिया की महाशक्ति कभी नहीं बन सकता। आज हमने स्कूल में पढ़ने वाले एक औसत भारतीय बच्चे की दिनचर्या का अध्ययन किया है। इस दिनचर्या को समझने के बाद आपको ऑफिस या घर के कामकाज में की गई अपनी मेहनत भी बहुत फीकी लगने लगेगी, कम लगने लगेगी। भारत में स्कूल जाने वाले ज्यादातर बच्चों को अक्सर सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच उठना पड़ता है। इसके बाद सुबह 7 या 7:30 बजे से स्कूल शुरू हो जाता है, जो दोपहर 1:30 से 2 बजे तक चलता है। इसके बाद कई बच्चों को घर लौटने पर भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें 3:30 बजे के आसपास ट्यूशन के लिए जाना होता है। जब बच्चा ट्यूशन से वापस लौटता है तो अक्सर घड़ी में 6:30 बज चुके होते हैं। इसके बाद कुछ माता पिता अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए स्पेशल क्लासेस में भी भेज देते हैं, जैसे किसी को डांस क्लास में भेजते हैं, मार्शल आर्ट्स, पेंटिंग या फिर स्केटिंग या कोई और क्लास भी। यहां से जब बच्चा वापस अपने घर लौटता है तो अक्सर रात के 8 बज चुके होते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसे आराम नहीं मिलता, क्योंकि उसे स्कूल से मिला होमवर्क अब करना होता है। खाना खाने के बाद बच्चे होमवर्क करने में जुट जाते हैं और यह सिलसिला रात के 11 बजे तक चलता रहता है। ज्यादातर बच्चे आधी रात को सोने जाते हैं और फिर 6-6.5 घंटे की नींद लेने के बाद उन्हें एक बार फिर स्कूल के लिए तैयार होना होता है। जो बड़े लोग हैं वो अक्सर आपस में बात करते हैं कि वो बड़ी मेहनत करते हैं, या कोई सज्जन है जो बड़े मेहनती हैं, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा मेहनती हैं स्कूल जाने वाले बच्चे, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत वही कर रहे हैं। स्कूल से जुड़ी व्यस्त दिनचर्या, पढ़ाई के दबाव और खेलने कूदने के लिए समय न मिलने की शिकायत करती एक 6 साल की बच्ची का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। हो सकता है ये वीडियो आपके पास भी आया होगा, ये वीडियो हमारे पास भी आया। इस बच्ची का नाम रूही शाह है और ये बच्ची गुजरात की राजधानी गांधीनगर के एक स्कूल में पढ़ती है। पहली कक्षा में पढ़ने वाली ये बच्ची भारत के स्कूली सिस्टम से किस कदर नाराज है, पहले आप ये इसी बच्ची की जुबानी सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे इस बच्ची ने सिर्फ अपनी परेशानी नहीं बताई है, बल्कि भारत के 30 करोड़ स्कूली बच्चों का दर्द पूरी दुनिया के सामने रखा है। ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो को एक मनोरंजक वीडियो समझकर मुस्कुराकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन इस वीडियो में एक बहुत ही गंभीर संदेश छुपा हुआ है। हमने उसी गंभीर संदेश का विश्लेषण आज करने की कोशिश की है, लेकिन हमें जो प्रेरणा मिली ये सब करने की, वो इस बच्ची से मिली है। मुझे तो ये स्कूल से ही छुटकारा चाहिए 1 महीने, है ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी स्कूल में आए नहीं है, स्कूल में जवान हूँ। सवारे सवारे तो उठवानू पहलू पाछू मैडम, आपको अगर जो ये स्कूल बनाने वाला मिल गया तो आप क्या करोगी? मैं उसे धोके ना पूरी पानी डाल दूंगा, इस्त्री कर डालूंगी पूरी घर में, घर में। उसको पूछोगे कि तूने सब कुछ अच्छा बनाया है भगवान ने? हाँ, तो बस पढ़ना क्यों करना पड़ा, पढ़ना भी थोड़ा अच्छे ही तो बना देता तो हमको भी मजा आता, राइट? तो भी मोदी को क्या, मोदी को क्या कहना चाहते हो? इस छोटी सी बच्ची की बातें सुनकर आपको शायद हंसी आ रही होगी, और इस बच्ची का अगर बस चले तो ये देश के सारे स्कूलों को बंद करा दे, क्योंकि इसे स्कूल अच्छे नहीं लगते। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि हमारे बच्चों को स्कूल अच्छे क्यों नहीं लगते, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, स्कूल जाने से पहले बच्चे रोते क्यों हैं और हमेशा छुट्टी क्यों मारना चाहते हैं। असल में इसके पीछे बहुत गंभीर सवाल छिपे हैं,
ये बच्ची शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश के नेताओं से भी नाराज है और ये इस बात का सबूत है कि हमारे देश में नेता भी शायद बच्चों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। आज हमने इस बच्ची की शिकायतों को आधार बनाकर भारत के स्कूली सिस्टम पर एक विश्लेषण तैयार किया है। अक्सर हम छोटे बच्चों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि ये तो छोटे बच्चे हैं, इनकी बातों को क्या गंभीरता से लेना। लेकिन कई बार उनकी बाल सुलभ बातों में भविष्य निर्माण की कुंजी छिपी होती है। डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम परिवार के हर सदस्य की जिंदगी से जुड़ा विश्लेषण अक्सर आपके लिए करते रहते हैं और आज हमारा विश्लेषण आपके परिवार के सबसे छोटे सदस्यों को समर्पित है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन से हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत के स्कूलों में साल भर में औसतन 223 से 225 दिन पढ़ाई होती है। भारत में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को अपने साथ स्कूल बैग ले जाना होता है। इन स्कूल बैग्स का औसत वजन 8 किलोग्राम होता है, यानी साल भर में एक बच्चा करीब 1800 किलोग्राम वजन उठाता है। ये वजन एक बड़ी एसयूवी गाड़ी के औसत वजन के बराबर है। इसी आंकड़े को आप अगर भारत के पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के 24 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या से गुणा करेंगे तो स्कूल बैग्स का कुल वार्षिक वजन 42,000 करोड़ किलोग्राम हो जाएगा। ये 8 करोड़ हाथियों के वजन के बराबर है जो हमारे देश के बच्चे उठा रहे हैं। और यह स्थिति तब है जब नवंबर 2018 में केंद्र सरकार स्कूलों को यह निर्देश दे चुकी है कि बच्चों के स्कूल बैग्स का वजन घटाया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक स्कूल बैग्स का वजन 2 से 3 किलोग्राम तक ही होना चाहिए। 6ठी से 7वीं कक्षा तक ये सीमा 4 किलोग्राम है। 8वीं से 9वीं कक्षा तक 4.5 किलो और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये सीमा 5 किलोग्राम तय की गई है। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी ज्यादातर स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। अगर आपके बच्चे के स्कूल बैग का वजन घट भी चुका है तो ये जरूरी नहीं कि उसे होमवर्क से भी छुटकारा मिल ही गया हो। नेशनल अचीवमेंट सर्वे द्वारा 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों पर किए गए एक शोध में ये बात सामने आई कि भारत के 74% शिक्षकों के लिए आज भी होमवर्क ही छात्रों की योग्यता जांचने का एकमात्र तरीका है। सिर्फ 24% शिक्षक ही प्रोजेक्ट्स के जरिए बच्चों की योग्यता को जांचते हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 90% से ज्यादा शिक्षक सिर्फ होमवर्क के जरिए ही बच्चों का आकलन करते हैं। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति ज्यादा खराब है, जबकि तमिलनाडु के 67%, आंध्र प्रदेश के 53% और उड़ीसा के 40% शिक्षक अब होमवर्क से ज्यादा प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने लगे हैं। ग्लोबल एजुकेशन सेंसस द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के 40% बच्चे 2 से 4 घंटे होमवर्क करने पर खर्च करते हैं और वीकेंड पर भी यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। यानी भारत के स्कूली बच्चों को पढ़ाई से वीकली ऑफ कभी नहीं मिलता। इसी सर्वे के मुताबिक दूसरे देशों के मुकाबले भारत के बच्चे ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। ये ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनका पढ़ाई से संबंध नहीं होता, लेकिन ये बच्चों को अलग अलग विधाओं में माहिर बनाती हैं, जैसे खेल, संगीत या फिर पेंटिंग। लेकिन कई बार बच्चे ये सब अपने मन से नहीं करते, बल्कि माता पिता उन्हें दौड़ में आगे रखने के लिए उनसे इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं। भारत के 58% बच्चे स्कूल के बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस यानी ट्यूशन लेते हैं। 58%। गुजरात की 6 साल की ये बच्ची जिसका नाम रूही है, रूही भी इस दौड़ से परेशान हो चुकी है क्योंकि ये दौड़ उसका बचपन छीन रही है और अभी तो उसका बचपन शुरू ही हुआ है। आप रूही के वीडियो का ये दूसरा हिस्सा आप देखिए, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे टीचर्स और पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं मिलकर एक बच्चे के बचपन को गला काट प्रतिस्पर्धा में बदल देती हैं। तो फिर घर पे आओ 1 बजे के बाद, खाओ, फिर उसका उम्र कर लो और फिर ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से 4 बजे आओ, आओ आओ और उसका उम्र करने बैठ जाओ ट्यूशन का, तो पूरा दिन पढ़ने का ही और फिर शाम को
चार बजे नहीं, स्कूल का जो होमवर्क बाकी है वो करके सोने का, फिर उठेगा शाम को चार बजे, उठ के बाद वापस ट्यूशन जाने का, ट्यूशन जाके घर पे आने का, घर पे आके पाँच बजे घर पे आने का, घर पे आके वापस पढ़ने का उसका ट्यूशन का, और फिर जो थोड़ा स्कूल का बाकी रह गया वो भी करने का, और फिर थोड़ी देर खेल के थोड़ा और कर लेने का ट्यूशन का, और तो फिर देखो पूरा दिन पढ़ने का, रात को स्केटिंग क्लास में जाने का, तो पूरा दिन पढ़ने में जाता है। स्केटिंग के बाद ना घर पे आके वो स्केटिंग करेंगे, स्केटिंग के बाद ना कौन सी क्लास में जाने का बताओ, ड्राइंग क्लास, ड्राइंग मुझे ड्राइंग सीखो, और घर पे आके वो ड्राइंग बना के अच्छे से कलर करो। अब जब होमवर्क ही नहीं करते तो पापा क्या बोलते हैं, बापो सू के तारो, अरे रे पापा क्या डांट खाओ, मम्मी के दूसरे साइड डांट खाओ, सुबह उठो वापस, टीचर की डांट खाओ, टीचर की डांट खाओ, शिक्षक की डांट खाओ, प्रोफेसर की डांट खाओ, सर की डांट खाओ, ये सब पीटी में जाओ, ये सब किस वजह से होता है, पढ़ने से ही, पढ़ना ही है, मुझे पूरा पूरा यकीन है, मुझे थक गई मैं, मुझे तो इन टीचरों से और छह साल की ये बच्ची अभी से ये कह रही है कि वो थक चुकी है। किसी विषय पर पकड़ मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेने में कोई बुराई नहीं है, बच्चों को कुछ ना कुछ नया भी जरूर सीखना चाहिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये सब बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर बिल्कुल ना हो। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे निकलने की इस होड़ में, इस रेस में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता किया जा रहा है। अमेरिका की द नेशनल स्लीप फाउंडेशन साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक स्कूल जाने वाले 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कम से कम 9 से 11 घंटे तक सोना चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या आपके घर में जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, क्या वो 9 से 11 घंटे तक सो पाते हैं? देर रात तक होमवर्क, मोबाइल फोन और टीवी देखने की आदत की वजह से भारत के बच्चे इतनी नींद कभी नहीं ले पाते। ठीक से ना सोने की वजह से बच्चों को अस्थमा, इन्फेक्शन, वजन में कमी, थकावट, चिड़चिड़ापन, दिन में नींद आना और कमजोर याददाश्त जैसी परेशानियां हो सकती हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा इन छोटे छोटे बच्चों में कितना गुस्सा आप देख सकते हैं, कितना क्रोध इनमें देख सकते हैं, और ये कितने चिड़चिड़े रहते हैं। लेकिन जिस शिक्षा व्यवस्था ने 6 साल की इस बच्ची को सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया है, वो शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में बदल चुकी है, लेकिन हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा। कैसे स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी को आसान बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, ये समझाने के लिए हम आपको आज अमेरिका लेकर चलेंगे। आज हमने गुजरात की रूही और अमेरिका की 7 साल की गरिमा की स्कूली जिंदगी का एक तुलनात्मक विश्लेषण किया है। यानी हमने 6 साल की एक बच्ची भारत से ली है और 7 साल की एक बच्ची अमेरिका से ली है। दोनों स्कूल जाती हैं, लगभग एक ही उम्र की हैं, एक 6 साल की, एक 7 साल की। इनकी तुलना हमने की है और यह विश्लेषण देखकर आप समझ जाएंगे, देश का भविष्य तभी बन सकता है जब बच्चों के भविष्य को ठंडे बस्ते में ना डाला जाए। भारत की रूही और अमेरिका की गरिमा, दोनों की उम्र लगभग बराबर है, लेकिन गरिमा के लिए स्कूल जाना कोई सजा नहीं है। यहां भारत में आप अपने बच्चों के कमरे को स्टडी रूम कहते हैं, यानी वो कमरा जहां आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है या जहां पढ़ाई करता है। लेकिन अमेरिका में बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे को स्टडी रूम नहीं बल्कि प्ले रूम कहा जाता है, क्योंकि वहां बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने और सिखाने की व्यवस्था है। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि दोनों शोल्डर्स टूट जाएंगे, तो शोल्डर्स टूटने के बाद भी हम स्कूल आएंगे और लिखेंगे कैसे? इस छोटी सी बच्ची की बात में वजन है। जिन छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर देश का भविष्य है, वो बस्ते के बोझ तले दब रहे हैं। किताबें उन्हें शिक्षित तो बना रही हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाएं उन्हें बचपन में ही बूढ़ा भी कर रही हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय बच्चों के स्कूल बैग के वजन की सीमा तय कर चुका है। स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने भी दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन क्या इन निर्देशों का पालन हो रहा है? हमने जब इसका रियलिटी चेक किया तो हकीकत कुछ और ही निकल कर सामने आई। नाम बताओ। नाम बताओ। भारी उठाने प्रॉब्लम क्या क्या आती है? कभी 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 कभार मेरे कंधों में बहुत दर्द होता है, इतना दर्द की मैं हिल भी नहीं पाता। तो बैग में सारे सब्जेक्ट। ये देखिए आप, ये बच्चा 5th class में पढ़ता है और इसके बैग का वजन आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको ये साफ दिखाऊं ये वजन नापने वाली मशीन से, तो 5 kg 200 g, लगभग 5 kg 200 g वजन इस बच्चे के बैग का है। प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, इतना भारी बैग होता है, बड़े बच्चों का फिर भी हल्का हो जाता है। हाँ, हमें कॉपी किताब रोज लानी पड़ती है, फिर टीचर थोड़ा सा गुस्सा भी करती है क्यों नहीं लाए। तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चे के बैग का वजन आ रहा है 7 kg के आसपास, 6 kg 900 g के आसपास इस बैग के वजन है इस बैग का, और ये बच्चा सिर्फ 7th class में पढ़ता है। जो टाइम टेबल है और टाइम टेबल 9 पीरियड के अकॉर्डिंग है, तो 9 बुक्स और 5-6 कॉपी किताबें, और उसके अलावा भी बहुत सा सामान होता होगा। हाँ, बॉटल्स, लंच और हाँ, और एक्स्ट्रा चीजें जो कलर पेंसिल्स वगैरह, और एक्स्ट्रा बैग्स भी ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि एक बैग में इतना सारा सामान अटता नहीं है अगर ज्यादा बुक्स हो गई तो। हमारी मैम बोलेंगी डायरी नोट लिख के साइन करवाएंगी, ऐसे होता है। CBSE और HRD मिनिस्ट्री स्कूली बच्चों के बस्तों और होमवर्क को लेकर कई बार निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन इसका असर ज्यादातर स्कूलों पर होता दिखाई नहीं देता। भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया कि वेट को कम किया जाए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन, इसको कार्यान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों पर होती है, और जो सेंटर कोई आदेश जारी करता है वो इसको माने या ना माने और कितना माने ये राज्य सरकार पे निर्भर करता है। बस्तों के इस भारी भरकम बोझ का असर बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर एक साथ पड़ता है। इससे बच्चों को कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल यंग एज में स्पाइन प्रॉब्लम इतने देखने को मिलते हैं प्योरली बिकॉज किसी का फोकस नहीं रहता है कि मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट पे, पोस्चर पे, बोन्स पे, मसल पे, मसल के एक्सरसाइजेस पे। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ होता था तो सब मेकअप हो जाता था। बच्चे प्रतियोगिता और पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दब रहे हैं। और सुबह से शाम तक एक ऐसी दौड़ में फंस कर रह गए हैं जिसके खिलाफ वो आवाज भी नहीं उठा सकते। सुबह से उठो, ब्रश करो, पानी पियो, सब करके स्कूल लाओ, बाद में ट्यूशन, घर आओ, बाद में 1 बजे के बाद में स्केटिंग क्लास, बाद में ड्राइंग क्लास। अरे मेरे फ्रेंड्स जो है ना, वो मुझे खुद ही कहता है कि रूही जब हम स्कूल आते तब बैग में के तब बाहर होता है। पीरियड्स 8 पीरियड्स है हर रोज से हर रोज, और सैटरडे को 4 है, तो फ्राइडे को भी इतनी ज़्यादा क्यों? आज फ्राइडे कल सैटरडे, तो इतने सारे पीरियड्स हर रोज बस अकेला सैटरडे को ही 4 पीरियड्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह बच्चों को ऐसी ही पढ़ाई करनी पड़ती है। अमेरिका की 7 साल की गरिमा की स्कूली जिंदगी में मस्ती भी है, संगीत भी, और पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी भी, लेकिन गरिमा को अपने बस्ते के बोझ तले दबना नहीं पड़ता है। ओल्ड ब्रिज टाउन का ये एक घर है जो कि एक इंडियन का है, और हम यहाँ पहुंचे हैं जरा ये समझने के लिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है अमेरिका का वो किस तरीके का है। तो हम जरा चाहेंगे कि आप जो गरिमा का स्टडी रूम है यहाँ जहाँ गरिमा रहती हैं, हम वहाँ चलते हैं और फिर हम बात करते हैं। गरिमा, शुड वी गो टू योर रूम? या प्ले रूम है इनफैक्ट, और इस प्ले रूम में पढ़ाई खेल खेल के साथ होती है, और इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जब पढ़ाई को उस लेवल पे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम लेके आता है जहाँ आप खेल खेल में ही पढ़ लेते हैं, खेल खेल में ही चीज़ें सीख लेते हैं,
वही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके जिसमें बच्चों के ऊपर ये दबाव ना हो कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें होमवर्क करना है। उसको आप उसकी लाइबिलिटी बना देते हैं, उसकी जिम्मेदारी बना देते हैं, उसके ऊपर उसकी पढ़ाई को थोप देते हैं। वैसी स्थिति में दिक्कत वहाँ से शुरू होती है जब पढ़ाई थोप दी जाती है, लेकिन यहाँ पढ़ाई थोपी नहीं जाती, यहाँ पढ़ाई इस तरीके से प्ले रूम में होती है, गरिमा जो लेके जाती है। क्या होता है स्कूल बैग में? किताबें होती हैं, रूटीन के हिसाब से हमारे यहाँ जैसे कहते हैं भाई 6 अलग अलग पीरियड्स की पढ़ाई है, तो हमारे यहाँ 6 अलग अलग पीरियड्स के लिए 6 अलग अलग किताबें होंगी, वो सारी किताबें आपको लेके जाना है, और सुबह बच्चा उस भारी बैग को लेके जाता है वहाँ। यहाँ क्या सिस्टम है जरा जी? बुक्स लेके नहीं जाना होता है, दे हैव लाइक फोल्डर होता है, उसमें इनके जो होमवर्क्स होते हैं वो रखे जाते हैं, और जो दे होमवर्क गेट फ्रॉम द स्कूल वो इसमें रख के फिर वापस आते हैं। तो दिस इज द फोल्डर जी, एक फोल्डर होता है, लंच बॉक्स होता है जी, पानी वाटर बॉटल एंड नथिंग मच लाइक एक स्पेयर कप, ड्रेसेस होते हैं इफ यू नीड, इफ दे नीड, दैट्स इट, नॉट टू मच। बट इस बैग में किताबें भी होती हैं जो किताबें लेके जाने थे? कोई किताब नहीं होती, कोई किताब नहीं होती है। तो कोई किताब नहीं होती फिर पढ़ाई कैसे होती है यहाँ? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सोच भी नहीं सकते कि बैग में किताबें ना हो और आप स्कूल जाएं। बुक्स स्कूल में होती हैं। ओके। दे कीप ऑल द बुक्स इन द स्कूल। अमेरिका में स्कूल जाने वाले बच्चों के बस्ते ना तो भारी होते हैं और ना ही उन पर पढ़ाई का ऐसा बोझ डाला जाता है जिसके तले उनका पूरा बचपन दब जाए। So I carry my lunchbox, my sunglasses, my extra clothes, my toys, my gloves. I carry my folder, I carry my homework, I carry my pictures, I carry my substitute. But you don't carry your school books with you? No? You don't carry that? Nope. किताबों का बोझ नहीं है बच्चों पे, सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ जी बिल्कुल, किताबों का बोझ नहीं है, प्रेशर नहीं है बच्चों पे कि तुम अगर फर्स्ट ग्रेड में हो तो तुम्हें इतना इतना आना ही चाहिए, लाइक तुम्हें एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब चीज़ आना चाहिए। नहीं, हर बच्चे का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, हर बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी बच्चों पे फोर्स नहीं होता यहाँ पे, इवन पेरेंट्स पे भी फोर्स नहीं करते टीचर्स या प्रिंसिपल की आपका बच्चा पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है बहुत, या ये है दे वो बहुत आराम से तरीके से लेके जाते हैं। तो यहाँ की चीज़ें मुझे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में यही अच्छा लगता है, दैट्स व्हाट आई लाइक हियर। भारत को भी अगर दुनिया की महाशक्ति बनना है तो पहले अपने देश के बच्चों के कंधों से बस्तों का बोझ हटाना होगा और उसके मन में पढ़ाई का दबाव, इसके बाद ही भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों पर पढ़ाई का बहुत बोझ है, स्कूल बैग के वजन से बच्चों की कमर टूट रही है, और अगर बच्चे और माता पिता इतनी कुर्बानी दे रहे हैं तो फिर भारत को पढ़े लिखे लोगों का देश बनने से कोई रोक भी नहीं सकता, और भारत इन्हीं पढ़े लिखे बच्चों के दम पर एक दिन महाशक्ति भी बन जाएगा। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि भारत में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों का भविष्य कुछ खास सुखद दिखाई नहीं दे रहा। देश की राजधानी दिल्ली में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों पर वर्ष 2006 से 2016 के बीच एक स्टडी की गई। इस स्टडी के अनुसार भारत में CBSE से 12वीं पास करने वाले छात्रों की संख्या हर साल 8% की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के सिर्फ 40% बच्चे ही ये बताने में सक्षम हैं कि MRP पर अगर 10% डिस्काउंट के बाद खरीदी गई शर्ट उन्हें कितने की पड़ेगी। यानी एक सवाल उनसे पूछा गया कि एक कमीज इतने रुपए की है और अगर उस पर 10% डिस्काउंट मिले तो फिर वो कितने में मिलेगी, और इस सवाल का जवाब भी ये बच्चे नहीं बता पाए, जबकि 60% बच्चे एक एनालॉग यानी सुइयों वाली घड़ी में देखकर सही समय भी नहीं बता पाए। एक्चुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 17% ग्रेजुएट युवा ऐसे हैं जो नौकरी करने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने डिग्री तो हासिल कर ली है
लेकिन वो नौकरी करने के काबिल नहीं है, उनके जो स्किल सेट हैं वो इतने खराब हैं, इतने पुअर हैं कि उन्हें कोई नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन डिग्री उनके पास है। अब सोचिए कि अगर इतनी मेहनत के बाद और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम भविष्य में नौकरी हासिल करने लायक छात्र तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो देश का भविष्य क्या होगा। भारत की 65% आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है, लेकिन युवाओं के इस शक्ति पुंज का भी भारत कोई फायदा नहीं उठा पा रहा। भारत सरकार के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक हमारे देश के 15 से 29 वर्ष के 30% युवा बेरोजगार हैं जिनके पास किसी ना किसी तरह की स्किल यानी योग्यता है। अब सोचिए, जब योग्यता रखने वाले 30% युवा बेरोजगार हैं तो फिर अयोग्य बेरोजगारों की संख्या क्या होगी। और इसीलिए आज हम ये बता रहे हैं आपको कि भारी बैग इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपके बच्चे को भविष्य में रोजगार मिल ही जाएगा, बल्कि इसके लिए आपको अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी होगी जिसमें पढ़ाई का बोझ संतुलित हो और रचनात्मक और कल्पनाशीलता ज्यादा हो। तो आज हमने आपको भारत की एक बच्ची से मिलवाया और अमेरिका की एक बच्ची से मिलवाया। भारत की बच्ची चाहती है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, वो 6 साल की बच्ची कह रही है कि मैं थक चुकी हूं, लेकिन अमेरिका में जो 7 साल की बच्ची है उसका स्कूल में बहुत मन लगता है, वो स्कूल जाना चाहती है, उसे पढ़ाई से भी कोई समस्या नहीं है, उसे लगता है जब वो पढ़ाई करती है उसे लगता है जैसे वो कोई खेल कूद कर रही है। योग्यता पढ़ाई लिखाई से भी हासिल की जा सकती है और कई बार ये नैसर्गिक भी होती है। अब हम आपको बेल्जियम के एक ऐसे बच्चे से मिलवाएंगे जो 9 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट होने वाला है। इस बच्चे का नाम है लॉरेंट साइमंस और लॉरेंट अगले कुछ हफ्तों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल कर लेगा। सिर्फ 9 साल का बच्चा है। ऐसा होते ही लॉरेंट का नाम दुनिया के उन गिने चुने बच्चों की लिस्ट में आ जाएगा। इस बच्चे ने 4 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल और 6 साल की उम्र में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। ग्रेजुएशन करने के बाद लॉरेंट का सपना मेडिसिन की पढ़ाई करना और PhD हासिल करना है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहता है ये बच्चा। 9 साल के लॉरेंट की कहानी सुनकर कोई भी माता पिता ये सोचेगा कि काश उनका बच्चा भी ऐसा हो, लेकिन लॉरेंट के पास पढ़ाई करने की कुदरती योग्यता है और हो सकता है कि आपके बच्चे के पास ये योग्यता ना हो। इसलिए अपने बच्चे को कामयाबी की दौड़ में शामिल करने से अच्छा उसे बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें, लॉरेंट से उसकी तुलना बिल्कुल ना करें। ये बात हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं क्योंकि बच्चों के मन को एडिट करके उसमें अपनी पसंद की योग्यता को इंस्टॉल करना संभव नहीं है। हालांकि चीन ये कोशिश अब कर रहा है। चीन में माता पिता पैदा होते ही अपने बच्चे का DNA टेस्ट कराते हैं ये पता करने की कोशिश में कि उसमें बच्चे में कौन सा टैलेंट छिपा हुआ है। चीन में ऐसे बहुत सारे क्लिनिक हो गए हैं जो बच्चे के पैदा होते ही उसका DNA सैंपल लेते हैं और फिर उसके आधार पर जेनेटिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके ये पता लगाते हैं कि ये बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। डॉक्टर बनेगा, मैथमेटिशियन बनेगा, वकील बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, एस्ट्रोनॉट बनेगा या फिर कलाकार बनेगा, पेंटर बनेगा, इसमें कौन सा टैलेंट है। चीन में इसे DNA टैलेंट टेस्टिंग का नाम दिया गया है। इस टेस्ट के परिणामों के मुताबिक सलाहकार माता पिता को ये बताते हैं कि उन्हें किस करियर के लिए तैयार करना है, यानी बच्चों को किस लाइन में, किस फील्ड में डालना है। भारत में बच्चों को ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे वो किसी फैक्ट्री के उत्पाद हो, फैक्ट्री में जैसे बनते हैं, और चीन में DNA की मदद से बच्चों का भविष्य तैयार करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया की दौड़ में बच्चे पीछे ना छूटें इसके लिए माता पिता क्या कर रहे हैं ये हमने आपको दिखा दिया, लेकिन अब आप जरा चीन के बच्चों का ये भविष्य भी देख लीजिए। तकनीक की मदद से दुनिया में नए नए चमत्कार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब चीन ने अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल छोटे छोटे बच्चों पर भी करना शुरू कर दिया है। विज्ञान की मदद से चीन में पैदा होने वाले बच्चों के करियर की भविष्यवाणी की जा रही है और इसके लिए DNA टैलेंट टेस्टिंग तकनीक की मदद ली जा रही है। पैदा होते ही बच्चे के DNA सैंपल लेकर उनकी जेनेटिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है
और बताया जा रहा है कि बच्चा भविष्य में क्या बनने वाला है। इसके लिए जन्म के साथ ही बच्चे का डीएनए सैंपल ले लिया जाता है। जीन का मिलान डेटाबेस में मौजूद करियर से किया जाता है। मिलान हो जाने पर बच्चे के करियर की भविष्यवाणी की जाती है। माता पिता भविष्यवाणी के आधार पर बच्चे को तैयार करते हैं। यानी चीन में अब बचपन से ही हर बच्चे के लिए योजना बनाई जा रही है, ताकि ना वक्त की बर्बादी हो और ना ही टैलेंट की। टैलेंट टेस्टिंग का बिजनेस चीन में खूब फल फूल रहा है, हालांकि इसके नतीजे मिले जुले हैं। आलोचक कह रहे हैं कि ये ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी करने जैसा ही है, जिसके सही साबित होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मानव व्यवहार की कई बातें ऐसी हैं जिनका जीन्स की मदद से पता नहीं लगाया जा सकता है, और ये जीवन के असली अनुभवों से विकसित होता है। लेकिन चीन के माता पिताओं को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है और वो इस टेस्टिंग के लिए 43,000 रुपए तक चुकाने को तैयार हैं। इस नए उद्योग की पंचलाइन है कि शुरू से ही अपने बच्चे को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कीजिए। चीन में ये उद्योग अभी से 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है, लेकिन आलोचकों को चिंता है कि इससे बच्चे की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उस पर पहले से तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने का दबाव होगा। लंबे वक्त तक एक बच्चे की पॉलिसी अपनाने की वजह से भी चीन के माता पिता टैलेंट टेस्टिंग करा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह से इंसानों का निर्माण होगा या भविष्य के हाड़ मास वाले रोबोट्स का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर के देशों ने बच्चों को कुछ अधिकार दिए हैं। बच्चे खुद अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते, इसलिए बड़ों को बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। आपको बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी उनकी कठिनाइयां दिखें तो आगे बढ़कर इसका समाधान जरूर करना चाहिए। आप नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को कॉल करके ऐसी कोई शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम जो आपको नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहां पर लॉग इन करके आप भारी स्कूल बैग्स के मुद्दे पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ये जो सारे ईमेल एड्रेस आपको दिख रहे हैं, फोन नंबर दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप यहां पर शिकायत कर सकते हैं। हम थोड़ी देर इसे स्क्रीन पर रखेंगे ताकि आप चाहें तो इन नंबरों को आप नोट कर सकते हैं और यहां पर इस मामले में आप अपनी बात रख सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं। हम मानते हैं कि स्कूलों से ज्ञान हासिल करने में किताबों की अहम भूमिका होती है, लेकिन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव करके बच्चों को भारी स्कूल बैग्स की समस्या से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इसके लिए माता पिता के तौर पर आपको भी अपनी आवाज उठानी होगी। आपको सबसे पहले तो खुद जागरूक रहना होगा और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भार मुक्त शिक्षा का स्वराज दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे।